पर्सनल लाइफ और उनकी गर्लफ्रेंड्स को लेकर रही है, शायद उतनी कभी उनकी फिल्मों को लेकर नहीं रही होगी। सलमान की जिंदगी में वैसे तो कई लड़कियां रही, लेकिन संगीता बिजलानी के साथ उनका रिश्ता जितना सीरियस रहा शायद ही किसी और के साथ रहा हो। बात तो दोनों की शादी तक आ गई थी। कहा जाता है कि सलमान और संगीता की शादी के कार्ड तक छप गए थे, लेकिन उस एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। दोनों एक दूसरे को लेकर काफी सीरियस भी थे। उसी बीच सोमी अली की एंट्री हुई। सोमी अली सलमान खान पर फिदा थी और कहा जाता है कि इसी वजह से वो फ्लोरिडा से भारत आई थी। देखते ही देखते सोमी अली कब सलमान और संगीता बिजलानी के बीच आ गई, किसी को पता ही नहीं चला। शुरुआत में संगीता दोनों के अफेयर से अनजान थी, लेकिन जैसे ही ये बात उनके कानों में पड़ी कि सलमान सोमी अली को डेट कर रहे हैं, तो वो भी चौकन्नी हो गई। हालांकि सलमान संगीता के साथ शादी को लेकर काफी सीरियस थे, लेकिन साथ ही उनके मन में सोमी अली के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर था। खासकर तब से जब उन्हें पता चला कि सोमी उनकी दीवानी है और उन्हीं के लिए इंडिया आई है। लेकिन संगीता बिजलानी को जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि सलमान सोमी के साथ किसी भी तरह का कनेक्शन रखे। वही सलमान के लिए सोमी अली की दीवानगी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि संगीता इस यकीन के साथ थी कि शादी के कार्ड छप चुके थे, बस रस्में ही बाकी हैं। इसलिए सलमान उनके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि एक दिन संगीता ने सलमान को सोमी अली के साथ देख लिया और इसका खुलासा खुद सलमान ने करण जौहर के चैट शो पर किया था, और इसी वजह से संगीता का और सलमान का रिश्ता टूट गया। सलमान से रिश्ता टूटने के बाद जहां संगीता अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, वहीं सोमी अली सलमान की जिंदगी में शामिल हो गई। लेकिन ये रिश्ता भी 8 साल तक चलने के बाद टूट गया और सोमी अली वापस अपने कंट्री चली गई। आज संगीता बिजलानी और सलमान बेशक साथ नहीं है, लेकिन दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। संगीता आज भी सलमान के साथ उनके फैमिली फंक्शंस और कई इवेंट्स में नजर आ